हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है हिंदी का सेट सी लेकर आए हैं। सेट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, वो भी बहुत ही सटीक आंसर मिलेगा। 100% करेक्ट और सटीक आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, आप आंसर शीट लिखने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन छूट गया है, कोई रह गया है कोई क्वेश्चन, या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो है आपको ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी के जो भी सब्जेक्ट के वीडियो हैं, वो भी आप वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, तो जितना भी हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है सब आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हिंदी के सेट सी में खंड क से स्टार्ट करते हैं। खंड क, प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर एक के अंतर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ उत्तर नंबर एक लिखना है, पहले का पहला, ये पहले का पहला है, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, पहले का चौथा दिया हुआ है। आपको स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा है, वीडियो पॉज कर लेना और फिर नोट डाउन कर लेना अगर आपको किसी चीज़ को और ध्यान से देखना है तो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट का, यहाँ पे फिफ्थ आ गया, फर्स्ट का सिक्स, तो पहले का पाँचवा, पहले का छठवा, पहले का सातवा, इस तरह से जो है पहले प्रश्न का हल हो गया। खंड का की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे पहले प्रश्न का पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। पहले के अंदर में सात प्रश्न थे, सातों के सात हो गए। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये खंड का के प्रश्न पहले का पूरा सात क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं उत्तर नंबर दो में। उत्तर नंबर दो में क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। उत्तर दो में तीन चार प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से ये आपको बनाना है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा और ये है चौथा। ध्यान रखिएगा, आपको इसका आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा समझ आया, ये फर्स्ट है, ठीक, ये सेकंड, ये आपको जो दिखाई दे रहा है सेकंड, नाउ दिस इज थर्ड, और ये लास्ट है क्या, फोर्थ। तो इस तरह से आपको चारों आंसर मिलेंगे। सेकंड कंप्लीट हुआ, उत्तर नंबर सेकंड होने के बाद उत्तर नंबर थर्ड में आप जो है निबंध लिख सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का। हम लोगों ने यहाँ पे वैश्विक महामारी जो बहुत फेमस है अभी के समय में, कोरोना वायरस को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है समझ नहीं आएगा तो वीडियो जो है पॉज करके रोक करके फिर आप जो है इसको लिख सकते हो पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस COVID-19 जो वैश्विक महामारी है उसके रिगार्डिंग ये निबंध हम लोगों ने आपको सजेस्ट किया है कि आप ये लिख सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन है वो आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो इस तरह से ये निबंध है, 200-225 या 250 शब्दों में लगभग आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर। प्रश्न क्रमांक चार में आपको शिकायत पत्र लिखना है, डाक वितरण की अनियमितता में सुधार हेतु आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये है पूरा डाक तार विभाग का, तो एक पेज में आप इसको लिखोगे। ध्यान रखिएगा, एक पेज में एक फ्रेश पेज लेंगे, वहीं से इस आंसर को स्टार्ट करना है आपको। तो ठीक है, एक फ्रेश पेज में लिखना है और उसी के लास्ट तक आपको फिर ये कंप्लीट कर लेना है। क्लियर हुआ? एक बार और दिखा रहा हूँ मैं ये प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है ये देख लेना है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच के अंतर्गत कितने प्रश्न हैं, तो क्वेश्चन नंबर पाँच के अंतर्गत जो है जितने भी प्रश्न एक एक करके देखते हैं। तो पाँच का अ, पाँच के अ का उत्तर ये, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। पाँच का ब, जिसमें बीट किसे कहते हैं पूछा था, तो इसका आंसर यहाँ आपको दिख रहा है। पाँच का स, जहाँ कुटीकरण या एनकोडिंग किसे कहते हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? तो ये पाँच का पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। पाँच का स हो गया, अच्छा पाँच का द भी बाकी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बाकी है। सो पाँच का द जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है, पाँच का द आप इस तरह से लिख सकते हो, ये है पाँच का द, पाँच का द क्वेश्चन नंबर फाइव का द है। ठीक है, ये जब PDF बन रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से आपको इसको देखना है। पाँच का द आपको स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर। ठीक है, ये पाँच द कम्प्लीट आंसर आपके स्क्रीन पर है। अब वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, पाँच का द है ये। नेक्स्ट जो है आते हैं छठवें प्रश्न में। तो छठवें प्रश्न में आपको पूरा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छठवां प्रश्न का आंसर है।
पूरा कंप्लीट, ठीक है। छठवें का पहला, छठवें का दूसरा और छठवें का तीसरा, ये कंप्लीट आंसर है। फिर से वीडियो रोक लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th पे आते हैं। 7th में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एक फीचर लिखना है, तो आप फीचर भी लिख सकते हो या एक आलेख लिख सकते हो, दो टॉपिक आपके पास है। हम लोगों ने यहाँ पे फीचर लिखा, तो ये 7th का अथवा है। इसमें आप जो है और भी कुछ अपने शब्दांश, अपने कुछ सेंटेंस जो है जोड़ सकते हो। एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने दे दिया खाद्य पदार्थों में मिलावट का एक फीचर कैसे लिखोगे, ये पूरा फीचर तैयार है, ठीक है। ये कैंसिल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आंसर होगा 7th का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। अभी आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। 8 में फिर वही बात है, तीन प्रश्न दिया है, 8 का क, 8 का ख और 8 का ग। एक काम करोगे आप, ये जो बीच में एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन दिया ही नहीं इस बार एग्जाम में। तो 8 का क ये आंसर लिखोगे आप, ठीक है। ख लिखोगे और ग लिखोगे, तीनों लिखना है। कंप्लीट हुआ क्या, समझ आया? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। अनुप्रास अलंकार को बताते हुए आपको बस यहाँ पे दो उदाहरण लिख देना है। दो उदाहरण यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया, ये पहला है ये दूसरा है। मुद्रित महीपति मंदिर आए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ये दोनों जो हैं अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं, ठीक है। चलो ख की बात करते हैं। काव्यांश में सौंदर्य का प्रयोग हुआ है, काव्यांश में किस तरह से सौंदर्य हुआ है, सौंदर्य का वर्णन करना है कवि सौंदर्य का, तो ये आपको बताना है। इसका भी आंसर मिल गया, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में, तो आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा उत्तर क्रमांक 10। 10 का क, तो 10 के अंतर्गत भी और भी प्रश्न है, तो 10 का क पूरा कंप्लीट है। ये मिला क्या 10 का क, ठीक है। उसके बाद है 10 का ख, पतंग जो है उससे रिलेटेड पतंग पाठ से लिया गया है 10 का ख, पूरा कंप्लीट आंसर। फिर उसके बाद आते हैं 11वें प्रश्न में। 11वें प्रश्न में आपको क ख ग ये तीन प्रश्न दिया हुआ है 11वें के अंतर्गत, पूरा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, 11 का क, 11 का ख और 11 का ग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्क्रीन पे आपको 12वां का क और 12वां का ख दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 12वां का ख में आपको क्या पूछा है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास का नाम बस बताना है आपको। और 12 का ख जो है जिसमें इंदर सेना पर जो है पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया उसको, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपको दोनों लिखना है, 12 का क और 12 का ख, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पूरा कंप्लीट, क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा 12 का ग, उत्तर नंबर 12, उसका ग जो है लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, इससे संबंधित सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आप ये आंसर लिख सकते हो, क्लियर हुआ। किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा 12 का ग। 12 के घ की बात करते हैं, तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, ऐसा कहने के पीछे क्या आशा है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो 12 का घ कंप्लीट आंसर, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यशोधरा से रिलेटेड क्वेश्चन है, यशोधरा बाबू से रिलेटेड। तो ये 13 को मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ध्यान से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार आपको कहता हूँ वीडियो क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया करो, क्लियर है ना, तब आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जहाँ तक आप लिख लोगे फिर आप जो है वीडियो रोक लिया करो और इस तरह से आप पूरा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसका क, क्वेश्चन नंबर 14 का क ये है आंसर, पूरा आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है, ये चलेगा। और फिर उसके बाद ख, 14 का ख जूझ कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जूझ कहानी से संबंधित सवाल पूछा गया था। इस तरह से आप जो है पूरा कंप्लीट आंसर बना लोगे अपने इस हिंदी सब्जेक्ट का। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी मेहनत के साथ हम लोगों ने इसको बनाया, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, और अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से बना सकते हो, इस उम्मीद से हम लोगों ने बनाया है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और कहूँगा, क्योंकि ये हमारा चैनल छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल जो है आपको
आपके छोटे भाई बहनों को, जूनियर्स को, आपके जूनियर्स को, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जुड़ जाना है हमारे चैनल के साथ, और सपोर्ट तो करना ही है आपको, क्लियर है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तो जितने भी सब्जेक्ट के आंसर हम लोग बना चुके हैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको मिलेगा जियोग्राफी, आपको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस, आपको मिलेगा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और इंग्लिश के तीनों सेट, सभी के तीनों सेट मिलेंगे। जितना अपलोड हो चुका है आप जाके देखोगे, विजिट करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो ये पूरा कंप्लीट है, एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी से। आप जो है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर अटक गए हैं तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप इसी तरह से आंसर लिखोगे, बहुत बेहतर मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ, एकदम बहुत अच्छे तरीके से मतलब बनाया गया है। बस आपको इसको थोड़ा सा समझते हुए क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, क्लियर है। ये इस तरह से आपको वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर ये जो अभी जो कुछ जो है पेजेस ऐसे आए है ना जो आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे थे, तो उसको उसके लिए क्या करना है, आपको पीछे जाना है। पीछे मैंने उसको अच्छे से अरेंज करके बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फास्ट मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो आपको वो दिखाई नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ये है ना, तो पीछे जब जाओगे, वीडियो जो है जब 4-5-6 मिनट का चल रहा था उस समय मैंने पूरा क्लियर इसको बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं।